See here, if low is less than high, if low is less than high, then we have to partition the subarray. So we are partitioning the subarray low to that means we are calling the function partition from array A low to high. So whatever the value come, that come inside the middle. That means M we are talking about here. Pivot element will get its position, and that is we have to divide from that position itself. We are using here quicksort low to middle minus one. We are using again the quicksort algorithm. So and one subarray will become low to middle minus M minus one pivot element ki position se minus one, and right subarray will become A middle plus one high. मतलब जो पाइवोट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया रियल पोजीशन पे, इट गॉट इट्स रियल पोजीशन फ्रॉम मिडिल फ्रॉम दैट पोजीशन प्लस वन टू हाई. अगेन एंड अगेन वी विल यूज द वी विल कॉल सेम प्रोसीजर हियर. पार्टीशन प्रोसीजर वी हैव टू अंडरस्टैंड मेनली व्हाट वी हैव डन. इनिशियली वी आर सप्लाइंग इन साइड पाइवोट एलिमेंट ए लो. लो मतलब जीरो था पहले, तो ए लो वैल्यू वी आर सप्लाइंग इन द पाइवोट एलिमेंट. एंड आई में पहले क्या डाल दे रहे हैं, लो डाल दे रहे हैं, और जे में क्या डाल दे रहे हैं, हाई प्लस वन. मतलब हाई जो एन वैल्यू है वो एन माइनस वन, जीरो टू एन माइनस वन. ये हाई प्लस वन गलत लिखा है, हाई माइनस वन होगा, मतलब एन माइनस वन. एंड नेक्स्ट व्हाट विल आई विल डू, नेक्स्ट आई विल डू व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू जे. जब तक आई जे से छोटा है, देखो आई जब जे जब आई से बड़ा होता था, व्हाट वी वर डूइंग, क्या करते थे अपन लोग. हेलो, स्वैपिंग. स्वैपिंग किसके बीच में, पाइवोट ए जो ए जे एंड पाइवोट एलिमेंट के बीच में, ए जे एंड पाइवोट एलिमेंट के बीच में स्वैप करते थे. इफ while i less than equal to j के अंदर तो ये चलेगा. If अगर j greater हो जाएगा i से, तो swap क्या होगा, a low में pivot element था मेरा, pivot element a j से swap कर देते थे. और अगर j not greater than i, तो we were repeating this step while ai less than pivot element. जब ai मैं बोलता था i pointing to this element, if ai less than pivot element तो क्या करते थे, i को increment कर देते थे एक एक. तो जब तक रिपीट करना है while loop we have to repeat till ai less than equal to pivot element. जब तक ai pivot element से छोटा है, जब तक i increment होता रहे. while aj, फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इस लूप के बाहर आएगा, when it get the element which is ai is not smaller than pivot, मतलब greater element मिल जाएगा, तो i वहां पर रुक जाता था. after that j start होता था. तो while aj is greater than pivot, देखते थे aj अगर pivot से बड़ा है तो j एक एक decrement करते थे. तो if aj is, while aj is greater than equal to pivot, do j is equal to j minus 1. If ये वाला केस हो जाता था, if i is less than equal to j, और फिर भी अगर i और j छोटा रहते थे, तो क्या कर देते थे, मतलब ये वाली condition के बाद जब जे भी अपना काम कंप्लीट कर देता था, और फिर भी जे बार अगर जे आई से बड़ा था, तो उस केस में क्या कर देते थे, वी आर स्वैपिंग ए आई एंड ए जे, ए आई और ए जे के बीच में स्वैपिंग कर देते थे. तो दिस इज द एल्गोरिथम. ठीक है, इस केस में बेस्ट केस फॉर एग्जैक्टली टू पार्टीशन, मतलब दो पार्टीशन का मैं बेस्ट केस बोल रहा हूँ, कि जो तुम्हारा पाइवोट एलिमेंट है वो इक्वल हाफ में हो, मतलब आधे जो एलिमेंट है वो पाइवोट के लेफ्ट सबलिस्ट में लगभग आधे एलिमेंट हो, और नियर अबाउट हाफ एलिमेंट उसके राइट सबलिस्ट में हो. मान लो आठ की सबलिस्ट है, सपोज आठ की सबलिस्ट है, तो एक तो पाइवोट एलिमेंट हो जाएगा, एक तरफ थ्री एलिमेंट आ जाए, एक तरफ चार एलिमेंट आ जाए. अगर एट की सबलिस्ट है, तो पहला एक एलिमेंट तो पाइवोट है, और तीन एलिमेंट की लेफ्ट सबलिस्ट हो जाए, चार एलिमेंट की राइट सबलिस्ट हो जाए. दैट मीन इक्वल हाफ वी आर डिवाइडिंग दैट एलिमेंट, मतलब एन वर्क वाट डिवाइड एन एलिमेंट वाट डिवाइडेड इनटू टू हाफ, एन बाई टू. इन वन सबलिस्ट देर आर माइनस वन, एन बाई टू माइनस वन एलिमेंट.
तो इसके लिए माइनस वन तो क्या है कि एक कांस्टेंट टर्म है, यू कैन नेगलेक्ट दैट टर्म, तो ये हो जाएगा एन प्लस टू टी एन बाई टू। तो टू टी एन बाई टू मैंने सॉल्व करना, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, तो वी कैन से दैट यू गॉट द ओमेगा एन लॉग टू एन कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ऑन एन एवरेज केस, मतलब बेस्ट केस एंड एवरेज केस की सेम ही है, ठीक है। अगर दो इक्वल हाफ में हो रहे हैं दैट मींस इट इज बेस्ट केस। और वर्स्ट केस में अनलक्की हो, अगर इफ अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, अगर अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, मान लो ये अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है 70, 40, 60, 50, 20, 30, 1, मतलब ये तो मान लो नहीं सॉर्टेड दिख रहा है लेकिन ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, अरे इन दिस केस ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, मान लो पूरी ही सॉर्टेड होती तो ऑलमोस्ट सॉर्टेड, तो उस केस में तुम्हें सारे एलिमेंट चेक करने पड़ रहे। जैसे मान लो ऑलरेडी सॉर्टेड है 70 एलिमेंट है, तो 70 एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है तो वो लास्ट, मान लो इसकी पोजीशन कहाँ होगी, लास्ट में होगी, फिर तुम इसे चेक करोगे तो उसकी एलिमेंट सेकंड लास्ट में होगी, फिर उसे चेक करोगे थर्ड लास्ट में होगी, फिर उसे चेक करोगे फोर्थ लास्ट में होगी, तो इसी हिसाब से मतलब सारे एलिमेंट को चेक करना पड़ रहा है वन बाई वन। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन के तुम्हारी अरे किस में डिवाइड हो रही है कि एक तरफ तो तुम्हारा एक भी एलिमेंट नहीं हो रहा है, एक तरफ जीरो एलिमेंट जब ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो एक तरफ तुम्हारे कितने एलिमेंट आ रहा है, जीरो एलिमेंट आ रहा है। मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे पाइवोट समझ रहे हो, तो इस साइड कितने एलिमेंट आ रहा है, जीरो एलिमेंट, इस साइड कितने एलिमेंट आ रहा है, एन माइनस वन एलिमेंट, तो एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे दैट वर डिवाइडेड इन टी जीरो, मतलब जीरो एलिमेंट इन वन सबलेट एंड एन माइनस वन एलिमेंट इन सेकेंड सबलेट, तो एन प्लस टी एन माइनस वन हो गया। ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया था यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, किया था तुमने नहीं किया था, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी ओ एन स्क्वायर, सो कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज ओ एन स्क्वायर, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ फिगर एक बता रहे हैं कि पहले एन आइटम थे, वन आइटम यहाँ पे निकल गया तो एन माइनस वन आइटम बचा, तो फिर एक आइटम यहाँ पे निकल गया एन एस टू एलिमेंट बचे, थर्ड आइटम निकल गया एन माइनस थ्री एलिमेंट बचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। ये तो डिफरेंट वो पता है, तो आई थिंक नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस, हाँ लैब आईटी बी है ना बैच, यस सर, यस सर, तो अपडेट है आईटीबी 22 आईटीबी 22421 सर 51 से 83 सर 51 सर 51 53 54 73 54 76 आफ्टर 76 कोई नहीं है, 79 नेक्स्ट 62 सर 62 नेक्स्ट 51 से 83 और कोई भी है, हाँ नहीं है, नेक्स्ट 51 हो गया है ना, 51 प्रिया हो गया, कितनी बार बोलती हो प्रिया, 77 हो गया, 77 77 नहीं हुआ, नेक्स्ट 84 to 99 कोई नहीं है,
84 to 99 no one is there. Next. 34 से 50 34 anybody else? कोई नहीं है. 38 सर. 38 next. सर 12 हाँ 53 what's your name? 12 sir 12 12 हो गया 24 27 हो गया next. 56 अरे यार जब 56 कूदते हैं तब तुम 56 नहीं बताते हो. 56 डन. 26 एनीबडी एल्स? 102 हाँ 102 सर 202 लास्ट का बताओ यार यूनिवर्सिटी 102 सर 46 46 अंकुर यस सर यस सर ठीक है. एनीबडी एल्स? हाँ एनीबडी एल्स दो लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी. हाँ हेलो अटेंडेंस बताओ अपनी कोई भी बचा हुआ है रिमेनिंग स्टूडेंट? हेलो यस सर. हाँ बताओ. यस सर. हाँ सर 38 यूनिवर्सिटी का नंबर ना 38 तो कितनी बार बताओ सर 38 चंदन सिंह ना यस सर कर रहा सर 24 सर क्या 74 प्रदीप कंफर्म कर लो 74 रोशन राज यस सर. और कोई सर 44 सर 44 44 एनीबडी एल्स सर 24 सर 24 24 तुम कितनी बार बताओगे सर यंग 3 सर 23 ठीक है 3 23 नहीं नहीं सर 3 आशीष कुमार यस सर. और वो कौन था रवि जो कंफर्म करना था जिसे क्या नाम था उसका रवि किसको कंफर्म करना था टेल मी योर रोल नंबर चंदन सिंह कितनी बार बोलेगा यार दो बार बोल चुका है तीसरी बार ही बोल रहा है. ठीक है स्टॉप करें आज. यस सर हो गया.